बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान के शहर शहर, आप देख रहे हैं के2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान और आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे एंड ट्यूसडे सुबह 10 से लेके 11:30 बजे तक के2 शहर में आपके सामने हाजिर खिदमत होते हैं। कोशिश करते हैं कि दिन का आगाज़ जो है बहुत अच्छे से गुजरे आपका, आप इन्जॉय करें। अगर सुबह का आगाज़ अच्छा हो जाए तो फिर सारा दिन जो है वो अच्छा गुजरता है। तो जनाब कोशिश करें, मेरे ड्राइव करके आने का मकसद ये भी था कि दो चीज़ें आपको बताऊं। एक तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी लाजमी आपने करना है। खुदा न खासा किसी एक्सीडेंट की सूरत में अपने आप को आप सीट बेल्ट के ज़रिए 90% तक बचा सकते हैं, क्योंकि वो झटका नहीं लगता, वो इम्पैक्ट नहीं होता। खुदा न खासा किसी भी हादसे की शक्ल में अगर बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का इम्पैक्ट हो तो अक्सर लोगों को देखा गया है कि वो ज़ख्मी होते हैं, क्योंकि वो टकराते हैं विंड स्क्रीन के साथ या फिर गाड़ी से बाहर जाके गिर पड़ते हैं। सीट बेल्ट जानों को बचाती है, आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का। चाहे थोड़ा सा इस सफ़र क्यों ना करना हो, सीट बेल्ट लाजमी आपने पहननी है। नंबर टू, जो ख़वातीन ड्राइव करती हैं वो मेरी तरह से गलती कभी भी ना करें। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे दुपट्टे या कमीज़ के जो दामन होते हैं वो मतलब क्या बोलेंगे इसको, हाँ विंडो नहीं दरवाजे के बाहर जो है वो लटके होते हैं, जो खुदा ना खासा किसी हादसे की वजह बन सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ना सिर्फ गाड़ियों वाली बल्कि वो खवातीन जो कि मोटर बाइक चलाती हैं या पीछे बैठ के वो राइड ले रही होती हैं, तो कोशिश करें कि थोड़ा एहतियात रखें कि जो मोटरसाइकिल के जो पहिए हैं उसके अंदर आपका जो दुपट्टा या कमीज़ का दामन जो है वो ना आए। और बड़े बुरे हादसा देखे हैं, खवातीन गिरी भी हैं, तो उन चीज़ों का ख्याल रखना आपने बहुत ज़रूरी है। आज जब मैं सुबह सुबह उठ कर आई ना, तो मैं जब इधर चैनल आ रही थी तो रास्ते में मुझे बड़ा फॉगी सा लगा ना, धुंध धुंध सी मिस्टी मिस्टी सा, सुबह का टाइम था इसलिए। लेकिन जब मैंने एक रिपोर्ट देखी तो उसके मुताबिक दुनिया के पोल्यूटेड या आलूदा तरीन शहरों में दो शहर जो हैं वो पाकिस्तान के हैं। सबसे पहले तो इंटरनेशनल सतह पर देखा जाए तो इंडिया का शहर दिल्ली आता है, लेकिन चले उनका मसला है, वो खुद उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा स्मॉग अफेक्टेड शहर है वो है लाहौर, जिसमें पोल्यूशन या आलूदगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो हैज़र्डस है या इंसानी जान के लिए ख़तरनाक हो सकता है। सांस की बीमारियाँ, लंग्स की बीमारियाँ, आँखों की एलर्जी, स्किन एलर्जीज, नाक के इश्यूज, मतलब इतने ज़्यादा, और जब नाक का इशू हो कान का तो कान का इशू होता ही होता है। तो इतने ज़्यादा वहाँ पे पोल्यूशन है, जो कि फैक्ट्री से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है या जो धुआं गाड़ियों से निकलता है, कि वहाँ पे सांस लेना दुश्वार है। मेरे जितने भी रिश्तेदार जो लाहौर में रह रहे हैं वो कहते हैं सुबह जब हम उठते हैं तो आँखों में एलर्जी फील होती है, जलन होती है, चीखें बहुत आती हैं, इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम्स हो गए हैं। तो ये वो ख़तरनाक अलामत हैं जो हमने ख़ुद अपने लिए तैयार की हैं, पोल्यूशन फैला के बिला वजह की। मतलब गाड़ियों, देखिए पहले वक्तों में गाड़ियाँ कम होती थी तो लोग ज़रा पुरसकून तरीके से पहुँच जाते थे, रश कम होता था, डिप्रेशन एंग्जाइटी नहीं होती थी, गुस्सा नहीं होता था। अब नए दौर की टेक्नोलॉजी की वजह से हमें एक तोहफा ये भी मिला है कि हमें अपनी ज़मीन को, अपने इस मदर लैंड को कह लें या इस जगह को जहाँ पे हमने सांस लेना है, ठीक है, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है, फवारा है, खूबसूरती, मतलब साइकोलॉजिकली बड़ा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन अब सुबह उठें, फिज़ा में आलूदगी हो, सांस लेना मुश्किल हो, तो हम इमेजिन कर लें कुछ लम्हे के लिए भी अगर हम सांस ना लें तो ज़िंदगी ख़त्म होती महसूस होती है, होता है ना ऐसे। तो किसी और को ब्लेम क्या करें, इसमें तो कसूर हमारा है। तो कोशिश ये करें, एक आइडिया मेरे जहन में कि जब हम घर से बाहर निकले तो देख लें कि उस जगह पे, उस दफ्तर में, उस स्कूल कॉलेज में आसपास के लोग अगर जाने वाले हैं तो हम उनके साथ गाड़ी को पूल कर लें, मिलके 3 से 4 लोग एक गाड़ी में जाएं, ताकि एक तो पेट्रोल बचता है, आपकी पैसे की बचत होती है, दूसरे वक्त की बचत होती है, और पोल्यूशन में जहाँ 4 गाड़ियाँ निकलती हैं वहाँ एक गाड़ी निकलेगी। अब कहने को तो ये छोटी सी बात है, और मैं कहूँ फिर आप लोग सोचेंगे कि मैं अकेली बंदी या मैं अकेला बंदा क्या कर सकता हूँ, तब्दीली ला सकता हूँ। तो ऐसा है कि अगर हम लोग सब लोग अपना छोटा छोटा सा पार्ट प्ले करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब ये सोचें कि हम क्या करेंगे, हमसे तो कुछ होगा ही नहीं, तो भी कुछ भी नहीं होगा। जनाब 0514102251 हमारा नंबर है, इस पर कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारी कुकिंग एक्सपर्ट जो है वो पहुंच चुकी हैं, ज़ैनब नियाज़ी ने आज आपके लिए क्या बनाना है। मुर्गी चलती हुई गई थी अंदर, थे कुकिंग कुछ चिकन के अंदर होगा, है ज़िबा कर लिया उसको। और इसके अलावा मेहमान हैं, ख़वातीन की सेहत के वाले से बात होगी, एंटरप्रेन्योरशिप के वाले से बात होगी। कोशिश करती हूँ हमेशा की तरह से
बल्कि पूरी टीम की कोशिश होती है। मैं कैडेट अपने आप को खाली क्यों दूं, अकेले काम हो ही नहीं सकता, कि हम लोग सब मिल के एक अच्छा शो आपके सामने लेकर आएँ, आपकी पसंद नापसंद को सामने रख के, ताकि आप उसे रिलेट कर सकें। तो मेरे ख्याल से अब चलते हैं अंदर, हमारी जो मेहमान है जो चिकन, हाँ चिकन पकड़ी गई, गुलदाद भाई आ जाओ, चिकन काबू नहीं आ रही है, जो मुर्गी है वो भागी है असल में ना, तो अब इसको ढूंढ के लेकर आएंगे। और फिर तब तक आप मुझे कॉल कीजिए 0514102251 और बताइए कि मैं बदरी खड़ी रहूँ कि आपके शहर की पोल्यूशन का क्या हाल है। अगर ये जगह गीली ना होती ना तो मैंने इधर ही बैठ जाना था, कि यहाँ बैठ के आपसे, क्योंकि इतनी हील में खड़े होकर बातें करना इतना आसान नहीं होता है। 0514102251, जैसे कि इस्लामाबाद को कहते हैं फूलों का शहर, फैसलाबाद को भी ऐसे ही कहते हैं। पेशावर के जो हैं वहाँ के खाने बड़े मशहूर हैं, वो बड़े पोल्यूटेड शहर है, पेशावर में भी आपको नज़र आएगी पोल्यूशन। कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है, तो आपके शहर को क्या कहा जाता है ये तो मुझे पता ही नहीं है। इसके लिए मुझे आप कॉल कर सकते हैं 0514102251 पे और बताइए कि जिस शहर में आप रह रहे हैं उसकी शनाख्त क्या है, उसकी क्या ख़ास बात है, क्या पता वहाँ के खाने मशहूर हों, क्या पता वहाँ की कोई ऐसी लैंडमार्क मशहूर हो, क्या पता वहाँ के लोग मशहूर हों। फैसलाबाद में सब लोग जानते हैं कि जहाँ से वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है हमारा, फैक्ट्रीज़ हैं कपड़ों की, इसके अलावा बेतहाशा ब्रांड वहाँ से तैयार होते हैं, बल्कि ना सिर्फ इस हवाले से बल्कि वहाँ पर बड़े बड़े आर्टिस्ट ने जन्म लिया, जैसे कि नुसरत फ़तेह अली खान, सब लोग उनको जानते हैं। और परसों ही रेशमा जी की जो है वो डेथ एनिवर्सरी जो थी, और मैं सोची थी कितना अर्सा गुजर गया कि पता भी नहीं चला, उन जैसी आवाज़ उसके बाद फिर नहीं आई। बड़ी कोशिश की गई, बड़े लोगों ने एफर्ट किए, लेकिन ये कि वो आवाज़ आ नहीं सकी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक लग रही है। लुक एट यू, जबरदस्त है, मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक। थैंक यू सो मच। मुर्गी पकड़ी गई? हाँ पकड़ी गई, पकड़ी गई, बड़ी मुश्किल से पकड़ी गई, पकड़ भी आई है। और बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाओ कैसा गुजरा वीकेंड, घर का क्या हाल है? बहुत हैपनिंग गुजरा, बहुत अच्छा। घर भी जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज चल रही है, वीकेंड ऐसे ही गुजर जाता है, जितना इंतजार होता है ना वीकेंड का कि वीकेंड आए, और उतना ही जल्दी जो है वो चला जाता है। बात है कि हम सोचते हैं कि रिलैक्स करेंगे वीकेंड पे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो हमें वो नसीब होता है वीकेंड। बड़ा प्लान होता है, इतनी देर सोएंगे, ये होगा, लेकिन उतने ही काम हम वीकेंड पे छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। मेरा बड़ा दिल करता है मैं संडे को ना रिलैक्स करूँ, मैं उठूँ नहीं और मैं जो हूँ ना आराम से बस सो ही रहूँ, लेकिन वो मैं कहती हूँ ये सोचना ही नहीं चाहिए मुझे। जब मैं ये बात सोचती हूँ उल्टा ठीक होता है। अभी ये सोचा मैं आपको तैयार किया कि मैं ये कहूँगी बहुत काम कर रहा। अच्छा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि आप सर लोग ज़ैनब को जानते हैं कि मैं तारुफ़ नहीं कर रहा है, तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है। ज़ैनब नियाज़ी वैसे तो शेफ़ भी हैं, इसके अलावा इन्फ्लुएंसर भी हैं, बहुत सारे काम कर रही हैं, बेकिंग का एक्सपर्ट भी कह सकते हैं हम आपको। हाँ जी, है ना? बेसिकली मैं पेस्ट्री शेफ हूँ, लेकिन मैंने जो है वो पाकिस्तानी किचन में भी काम किया हुआ है, चाइनीज़ किचन का भी कुजीन का मुझे थोड़ा सा आइडिया है। ना बताओ, ना बताओ, छोड़ेंगे नहीं हम, मैं बता दूँ। नहीं नहीं, मैं आप मुझसे खाना बनवाती हूँ, बट मुझे तो बहुत ज़्यादा मैं इसमें पैशनेट हूँ यार, मुझे पैशन ना हो आप कुकिंग नहीं कर सकते। मैंने अभी सैटरडे को जो है घर में सबको हलवा पूरी का नाश्ता करवाया, खुद घर में बनाई पहली बार, लेकिन बना ली, सही बन गई। हाँ सही बन गई, तो बस घर वालों को जो है हाँ। वो मैं करती रहती हूँ। अच्छा चलिए, हाँ। जी हमारी मुर्गी काबू आ चुकी है, हम आपसे बातें भी करेंगे, गपशप भी लगाएंगे। और आज क्या बनाने जाना? आज मैं जो बना रही हूँ हाईवे चिकन कढ़ाई। जब हम हाईवे पे, हाँ हाईवे पे जाते हैं तो जो फ्लेवर आता है चिकन कढ़ाई का, उस तरह से जो है वो फ्लेवर आएगा, और आप ट्राई करें तो फिर बताइएगा कि कैसा है। पेशावर जा रहे थे तो मैंने रबड़ी पराठे खाए थे, वो जो मैदे की जबड़ा दुख गया था, लेकिन वो फ्रेश होना चीज तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो मैदे की पराठा जो होता है ना वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए और फिर हम आपको दिखाएंगे हाईवे चिकन कढ़ाई। वेलकम बैक टू K2 शहर, मैं हूँ रिदा इमरान, और हमें वो आज रेसिपी के लिए हमें चाहिए थी चिकन बनाना था, हाईवे चिकन, तो मुर्गी हमारी भाग गई, तो हमने जो चिड़िया पकड़ी थी ना आज, हमने उससे ही बनाने हैं हाईवे चिकन, जो चूचू बोलती है ना वो, हमने इसको, तुम हमारी टीम का हिस्सा हो, चलो आज हम तुम्हें पका के खिलाते हैं। नहीं नहीं, मजाक करनी ऐसी कोई बात, ओह सबूत दे दिया उसने कि नहीं मैं जिंदा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है।
हमारे लिए तैयार हो चुका है जी, किचन का काउंटर रेडी हो चुका है और हमारी जो गेस्ट तो घर में नहीं कहूँगी, अब तो घर हमारी टीम का ही हिस्सा है, वो बना रही हैं बहुत ही मज़ेदार सा ना हाईवे चिकन कढ़ाई। हाँ जी, तो क्या कुछ चाहिए होगा इसके अंदर? इसके लिए हमें जो है ऑयल चाहिए, चिकन तो सबसे पहले चाहिए। हमने नहीं, मैंने हाईवे से पकड़ी है, इसलिए इसका नाम जो है चिकन हाईवे कढ़ाई रख दिया। इसका जो चिकन है आप 1 kg ले लें, ऑयल 1/2 cup चाहिए, टमाटर 4 से 5 चाहिए, आपके खटास पे कि आपने कितना जो है वो करना है। हाँ, और दही जो है 1/2 cup, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए 1 tablespoon, और लाल मिर्च 1 tablespoon, सॉल्ट आप अपने जायके के हिसाब से यूज कर सकते हैं जैसा आपने कम ज्यादा करना है, गरम मसाला 1 tablespoon, हरी मिर्च चाहिए जो एंड में ऐड होगी गार्निश करने के लिए, कोरिएंडर हरा धनिया और अदरक जूलियन करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, और यहाँ से मुझे दे दे। लीजिए रेसिपी कार्ड आपको नजर आ रहा है, सब कुछ लिखा हुआ है। चिकन है जी 1 kg, ऑयल है 1 cup, दही भी है, टमाटर 4 से 5 जितने भी आपको चाहिए हो, अदरक जो है वो अदरक लहसुन पेस्ट ग्रूवी सा लगा हैदरक लहसुन पेस्ट, उसके अलावा लाल मिर्च है, नमक, गरम मसाला, ये सब चीज़ें आपको हम दिखा भी दें, आप नोट डाउन भी कर लीजिए, जब आपको स्क्रीन पे नजर आए ना तो उसकी आप तस्वीर खींच लें ताकि आपको उसको फॉलो करने में आसानी हो जाए। और जैनब ने एक कढ़ाई रख दी है जनाब चूल्हे के ऊपर, और ऑयल ऐड करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमान 1/2 cup। ठीक है, ये भी अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं कि आपको किस तरह का थोड़ा सा अच्छा ऑयल गर्म हो जो जाए। हम घर में कढ़ाई बनाते हैं उसमें और जो बाजार की कढ़ाई होती है उसमें इतना फर्क होता है, वो क्या फर्क इसलिए होता है कि हमें ये लगता है कि हम मसाले जो है ना बाहर की कढ़ाइयों में बहुत डलते हैं, हम फिर उस चक्रों में ये भी मसाला डालो ये भी, मैंने देखे सिर्फ नमक मिर्च जो है ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा कोई चीज़ गरम मसाले का सबसे मेन जो है वो होता है, और अच्छा उनके जो मसाले होते हैं जो आपको होटल्स पे मिलते हैं वो ज़्यादातर जो है आप अपने मसाले बना के रखते हैं, ग्राइंड करते हैं, और तो लाल रंग जो आता है वो टमाटरों का ज़्यादा, टमाटर और आपकी जो लाल मिर्च होती है देगी मिर्च वो बहुत मैटर करती है, तो इसलिए थोड़े से मसालों का होता है। आप जो है इसमें सबसे पहले मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। ठीक है, और आपने बना बनाया नहीं लिया आपने बना, हाँ जी बाहर के मतलब रेडीमेड अगर लहसुन अदरक कर लेंगे ना तो उसका वो खुशबू आएगी खुशबू नहीं, और मैं तो कहती हूँ कि आपको जो है ना ग्राइंडर में इसको ब्लेंडर या ग्राइंडर में जो है वो ब्लेंड नहीं करना चाहिए, आपको वो जो क्या होता है सिलबट्टा हो गया उसमें करके करना चाहिए, तो वो फ्लेवर आता है। अच्छा सिलबट्टा भी कहते हैं उसको, हावन दस्ता भी कहते हैं उसे, कुंडी डंडा भी कहते हैं आपकी जबान में, क्या कहते हैं? मेरी अम्मी लंगरी कहती है, लंगरी डंडा एग्जैक्टली। हाँ, हर इलाके के ना वो डिफरेंट नाम होगा उसका, उसमें आप बना लें इसके, उसमें बनाई हुई चटनियाँ ब्लेंडर में वो बनती नहीं है, तो डिफरेंट आता है आपका exactly, ना हाँ, जो हाँ, आपके हाँ, वो देसी जो माहौल है ना उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। खुशबू देखिए ना जो आ रही है ना वो रेडीमेड पेस्ट में आपको नहीं मिलेगी। अच्छा जी, मैं चिकन ऐड कर दूँ। ठीक है, हल्का सा हमारा जो है ना, हाँ ठीक हो गया जी, जाए तो 1 tablespoon तकरीबन लिया है ना ये? हाँ 1 tablespoon, लोग कुछ लोग ज़्यादा लहसुन यूज़ करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ ठीक है 3 से 4 आप पीसेस जवे जो होते हैं उसके लहसुन के ले लें और वो ऐड कर लें, और आधा इंच आप उसका यूज़ कर लें अदरक का, अदरक का हाँ मैं इसमें डाल देती हूँ। चिकन अपनी अच्छी तरह से धुला हुआ चिकन है जी ये, ले जी आप थोड़ा सा पीछे हो जाए, नहीं कोई मजा नहीं है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा तो फिर मैं इसमें अपने मसाले डाल दूँगी। ठीक है, अच्छा मैं ज़्यादातर ये करती हूँ कि मसाले मिक्स करके रख लेती हूँ, कढ़ाई का मसाला है तो वो अलग से आप एयरटाइट कंटेनर में आप डाल के रख लें ताकि वो थोड़ा सा टाइम की बचत हो जाती है, और वैसे भी हमारे पास यहाँ पे टाइम कम होता है, तो मैं जो हूँ ना कोशिश करती हूँ कि मैं मसाले मिक्स करके ही जो है वो ले कर आऊँ। बिल्कुल सही है, मेहमान वगैरह अगर आ जाए ना तो आधा काम आपका हो जाता है अगर मसाले रेडी हैं। प्याज नहीं, आप अदरक लहसुन का भी पेस्ट बना के पहले से रख लें। और कढ़ाई में तो अच्छा मैंने यहाँ पे जो टमाटर लिए हैं ना वो इस तरह से ना स्लाइस कर लिए हैं। अच्छा, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं और इस तरह की भी चीज़ आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो थोड़ा सा ये होता है कि पतले पतले कट्टे होते हैं ना तो जल्दी ब्लेंड हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, वेट नहीं करना पड़ता, आता है ना टेस्ट में आ रहा होता है उसका का भी, कुछ लोगों को छिलके अच्छे नहीं लगते, तो सबसे अच्छी टिप ये कि आप अपने टमाटर फ्रीज कर लें, थोड़ी देर गर्म पानी में रखें, छिलके उतर जाएंगे, उसको कट कर लें। आज क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा अर्ली उठी, मुझे ड्रॉप करना था, एयरपोर्ट जाना था, तो मैं थोड़ा सा ना वैसे खामोश होकर बैठी थी, थोड़ा टाइम लगता है ना तुम्हारा फ्रेम में आने में,
तो रिदा का पता लग जाता है, रिदा जो है ना अभी ज़ोन आउट हो रही है। तो नताशा की मैं भी सुबह उठती हूँ तो जैसे चिकन को आप पानी में भिगो के रखते हैं डिफ्रॉस्ट करने के लिए, तो मैं भी वैसी होती हूँ उसको उठाने के लिए ना। अगर मुझे कहीं जाना है ना 7-8 बजे तो मैं उसे 5-6 बजे उठाऊँ। अभी वो डिफ्रॉस्ट हो रही है, डिफ्रॉस्ट हो रही है। कॉलर का प्रोग्राम में शामिल कर रही जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही? बिल्कुल ठीक ठाक जी, वेलकम 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 जी। मैं मुना बात कर रही हूँ। अच्छा, क्या हाल चाल है? खैरियत से हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। हैप्पी मंडे, नए हफ्ते का आगाज हो गया जी। हो गया अभी लग रहा है ये भी डिफ्रॉस्ट हो रही है हमारी कॉलर, है ना? जी जी जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? बहुत प्यारी लग रही हैं आप, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है आज। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। और रेसिपी देख रही है हमारी आप? जी जी देख रही हूँ। तो आपकी आज की मुश्किल हमने आसान करी, जैनब ने, मैंने नहीं, जैनब ने। जी जी, दरिया तो आप बनी है ना तो। हाँ, ये तो है वो, ये तो बात है, उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखने वाली बात है। जी बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश है जैनब से, कोई मजेदार सी बात? नहीं। अच्छा, अभी अभी मैंने एक सवाल पूछा था कि जो हम मैन्युअली जब मसाले ग्राइंड करते हैं तो उसे हावन दस्ता कहते हैं ना, या कुंडी डंडा या लंगरी कहा जाता है, तो आप लोग क्या कहते हैं उसको? आपको पता है, आप तो उसको कहते हैं तो हम कुंडी डंडा ही कहते हैं। कुंडी डंडा, हाँ जी 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 जी। वैसे पीसते तो अब आपको पता है, आप तो चॉपर में ही पीसते हैं। बिल्कुल सही, अब तो यूज ही कम होता है जी। हाँ। लहसुन के लिए यूज होता है, अदरक के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। बिल्कुल। आपको शौक है खाने पकाने का? जी शौक है। चलें, मजेदार, अच्छी बात है। आज क्या पकाना है दोपहर में? शलजम गोश्त बना हुआ है, रात को असल में बनाया था, तो अभी आज के लिए है दोपहर को। हे शुक्र है, इतनी तसल्ली होती है ना, खाना बनाओ। हाँ। और है ना, बच जाए तो बच जाए तो कुछ नहीं बनाना। पूरे दिन में ना ये होता है, आज क्या बने, पूरे दिन यही चलता रहता है, आज क्या बनाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन। ये भी होता है कि आज बन गया तो कल की टेंशन शुरू हो जाती है कि कल क्या बनाएंगे। बात है, और खासतौर घर में अगर बच्चे हों तो उनकी, इसने ये खाना है, इसने ये खाना है, इसने ये नहीं खाना। जी बिल्कुल, यही बात है। ठीक है जी। जी ठीक है जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी, अब अपना ख्याल रखें, हैव अ ग्रेट डे। शुक्रिया जी। तो बड़ा मसला हल हो गया कि आज हम आपको जो दोपहर में आपने बनाना, अगर तो कल का खाना बच गया फिर तो अच्छी बात है, वरना फिर आप जैनब की बताई हुई ये हाईवे चिकन कढ़ाई बना सकते हैं। इसका नाम हाईवे है या खुद रखा है? नहीं, इसका है, है? इस, हाँ, क्योंकि ये देखे ना, अब हम हाईवे पे जाते हैं, अब बसेस में जो लोग जाते हैं उनको क्विक अगर खाना खाना है तो उन्होंने फिर बना के रखा। वैसे तो उन्होंने चिकन भी जो इस तरह से हाफ डन करके रखी हुई होती है, तो बस आपने मसाला आपने मुझे मुल्तान जाने का इत्तेफाक हुआ तो मैं या तो अपनी गाड़ी में जाती हूँ अगर ड्राइवर अवेलेबल, मैं 7 घंटे की ड्राइव भी कर सकती हूँ, तो लेकिन नहीं अवेलेबल था तो मुझे बस में जाने का इत्तेफाक हुआ ना, तो मुझे एक एहसास ये हुआ कि हमें बहुत कुछ अभी सीखना है एज ए नेशन। शऊर नहीं है हमें ग्रुप ट्रैवल करने का, ये कंबाइंड ट्रैवल करने का, लोग फ़ोन पे ऊँची ऊँची बातें कर रहे हैं, बच्चे ऐसे भागने से बरात आने वाली है, और कोई मतलब होता ना कि आप साथ कोई बैठा हो तो आप फोन के वाला हिस्सा कर दें या आराम से बोलें, बस में तो और ऊंचा बोल रहे, आवाज आ रही है। हाँ। उन्हें ये लग रहा होता है क्योंकि आपका ना बस बंद हुई हुई होती है, तो आप लोगों को ये कान से ये लगता है कि यार आवाज नहीं जा रही है, हालांकि उन्हें जा रही होती है, अगले साथ बैठे हुए लोगों का भी ख्याल कर रहे हैं। हाँ, आ रही है, हमें तो दो चार तो डील तो खुद डन कराई है, इतना ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे वो। जरा सा ये ख्याल रखें, मतलब हमारे और इतने मसले मसाइल है, ये बात करना बड़ा अजीब सा लग रहा होता है, लेकिन ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो तो चीज़ का ख्याल रखिए, किस तरह से आपके साथ और लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं, क्या पता कोई सोना चाह रहा हो, क्या पता कोई थोड़ा सा रिलैक्स करना चाह रहा हो, 7-8 घंटे की ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। मुश्किल काम जी। हाईवे चिकन, चिकन जो है वो वाइट होगी, अपना कलर उसने चेंज कर लिया है और थोड़ी सी भून ली गई है, और मैं इसमें मसाले जो है वो ऐड कर दूंगी। मसालों में क्या कुछ था? इसमें था रेड चिली पाउडर था, सॉल्ट था, गरम मसाला था। अच्छा, मैंने इसमें ना थोड़ा सा ये किया है कि मैंने जो लाल मिर्च कुटी हुई होती है वो भी ऐड की है, उससे ये होगा थोड़ी स्पाइसी बनेगी। आज हमारी चिकन कढ़ाई जो है वो स्पाइसी है, अब ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहते हैं करें, नहीं तो ना, इट्स ऑल अप टू यू। इतना मुश्किल ना बनाए खाने पकाने को, और क्या, रिलैक्स हो गया। अच्छा, तैयार होगी खाना बनाया करें, रेडी हो के फिट से कपड़े पहन के, है कि नहीं? हमारी तरह, हमारी तरह नहीं। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रही है हमारी बहन, कहाँ से? मैं बुशरा जबीन, पिंडी घेर से बात कर रही हूँ। बुशरा जबीन, वेलकम वेलकम, क्या हाल चाल है?
जी आपसे एक दरख्वास्त है कि हमारे घर बिजली की मशीन की चोरी इलेक्ट्रिक हैकिंग लगाई हुई है, प्लीज किसी FIA CIA नेट के जरिए हमारी मदद कर दें। क्या 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 है चोरी, क्या बिजली चोरी हो रही है कहीं पे कोई? अच्छा अच्छा विकास, आई विश मैं आपकी आवाज़ पहुंच चुकी होगी, आई विश मैं कुछ कर सकती पर्सनली, मैं जाकर कुटाई कर सकती जो ये काम कर रहे हैं, जो बिजली चोरी कर रहे हैं। मिलियंस एंड बिलियंस का नुकसान किया गया ऐसे लोगों ने जो कि कुंडा डाल के बिजली चोरी कर रहे होते हैं, जो किसी का हक मारे होते हैं। सर्दियों में गैस जो है वो सक्शन मशीन लगी होती है और गैस चोरी की जाती है, पानी पानी भी होता है, पानी का भी ऐसे ही होता है। इतना नुकसान किसी दुश्मन ने नहीं पहुंचाया जितना इन लोगों ने पहुंचाया चोरियां कर करके। ले जी मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। ठीक ठीक है, और इसको जो है ना चार से पाँच, हाँ मैं थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर दूँ, कर ले फिर इसको पानी ये पड़ा हुआ मैं ढक के रख देती हूँ। ठीक है अच्छा बस, हाँ नहीं फिर मैं बाद में दही डालूंगी, अभी नहीं। अच्छा क्योंकि दही डालूंगी ना तो वो जो आपकी वो कहते हैं ना तरी कढ़ाई की, वो फिर बाद में निकलेगी। ओके सही 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 सही। और जैनब ने कमाल ये किया कि इसने घर में वीकेंड पे हलवा पूरी बनाई, वो बताओ ना हलवा। सब परेशान थे कि होगा कैसे, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि वीकेंड पे सुबह कैसे जल्दी उठूंगी। रात को हम 4 बजे सोए मूवी देख के, और सुबह ये क्वेश्चन था आप बना लेंगी हलवा पूरी, भूखे ना रह जाए ना हम। नहीं मैंने फिर बना ली, बहुत जल्दी बन ली, बन गई। मुझे ये लग रहा था 4-5 घंटे लगेंगे, लेकिन बड़ा अच्छा ये था कि मुझे प्रैक्टिस नहीं है वैसे। हाँ, टक 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 हाँ, वो मेरा देवर कह रहा था वो आवाज़ क्यों नहीं आ रही भाभी, वैसे मैं कह यार बस इतना काफ़ी है कि मिल गया तुम लोग को, क्या कहते हैं वो आम खाओ पेड़ के पेड़। हाँ क्या, और सच वैसे मैं जल्दी वीकेंड पे ऐसे आँख खुलती है सुबह 7 बजे मैंने हलवा पूरी का स्टॉल लगाना है। ऐसे आँख खुले ठक करके आँख खुलती है, पता नहीं क्या काम करना है। वीकेंड पे ही खुलती है वैसे तो, आपने काम करने जाना हो तो आपको नींद सबसे ज्यादा आती है, और अलार्म बंद करने के बाद जो 5 मिनट की नींद होती है ना, ओए होए मैंने कुछ 6-7 अलार्म लगाए होते हैं 5 बजे 5:10 पे 5:15 पे 0501 हमारा नंबर है, और बातें करते करते लगता ही नहीं कि किसी मॉर्निंग शो में हम लोग गप लगा रहे हैं। और इस वक्त हमारी जो है वो चिकन कढ़ाई हाईवे स्पेशल जो है ना वो तैयार हो रही है, और आपके लिए बना रही है जैनब नियाज़ी। अच्छा कटिंग में आप देख ले जरा सी, कटिंग अगर दिखा दें तो इतनी प्रोफेशनली ये जूलियन कटिंग करी, विच इज़ नॉट दैट ईजी, इतना बारीक बारीक काटना, ओए होए 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 बड़ा मैटर करता है भाई आप किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं अपने खाने को, उसको सजा के एंड में वैसे होना तो बुरा ही होता है चिकन के साथ, ऐसे ही तो बचता नहीं है। मेरी बहन है आज तो मैं नान भी साथ लाई हूँ, है हाँ, मैंने कहा आज हम नान के साथ जो है चिकन कढ़ाई खाएंगे मजे लेंगे। मैं बात कही थी जैनब की, मेरी छोटी बहन है ना हानिया, तो उसका वो मुर्गी के साथ इंसाफ करती है, वो हड्डी को सफेद करके छोड़ दी मतलब पैसे पूरे करेगी वो, अगर सेब खाएगी तो सेब भी खा के एंड में छोटी सी डंडी बचती है, वो भी पनाह मांग रहा होता है कि बस कर दे पैसे पूरे हो गए आपके। हाँ पूरे हो गए, खाना ज़ाया नहीं करना चाहिए, जोक से पार्ट। बहुत किल्लत है दुनिया में खाने की, खुराक की, दुनिया में बिलियंस की तादाद में लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त खाना मैसर नहीं है, तो आप उतना ही पकाएं जितना कि आपने खाना है, और जो बच जाए उसको रीयूज़ करें। चावलों में सालन डाल सकते हैं, बची हुई रोटी को तवे पे गरम करके हल्का सा पानी लगा गरम करके खा लें, तो वो फिर ना बेहरमती खाने की नहीं होती है, और बरकत भी जो है बहुत ज़्यादा घर में होती है अगर exactly. आपका खाना, और अगर बच भी गया तो ये है कि आपके घर में जो मेड आती हैं उनको दे दें, या बाहर जो भी आते हैं उनको दे दें, खाना फेंकना नहीं चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा खाना फेंक देते हैं, बहुत गलत, आपके प्लेट्स में भी जो अगर खाना बच गया है तो उसको एक शॉपर में डालें और आप गरीबों को दे सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत वो अच्छा, वेस्ट ना करें, वेस्ट ना करें, तो बरकत इसीलिए होती है घर से बरकत। हाँ जी, तो चिकन हमारा जो है वो बड़ी शराफत से पड़ा हुआ है इस वक्त बेचारा, हम वेट करेंगे, हाईवे पे भाग रहा था तो मैंने कहा हाईवे से ही पकड़ गया भाई। आइंदा हमारे इस चैनल के आसपास जो लोग रहते हैं वो बतखें भी फिरी होती हैं बाहर, पतंग कढ़ाई बनाएं कभी फिर हम आप जो है ना पूरे 12 घंटे का शो करना पड़ेगा, इतनी मुश्किल से गलेगी पतंग। हम आपको नजर आएंगे मैं और जैनब, हमने ब्लैक कलर के कपड़े पहने होंगे, नकाब पहने होंगे, और हम लोग ढूंढ रहे होंगे मुर्गियों तो बहुत जल्द आपको मछली बनाते हैं। मछली आसपास कहीं नहीं है ना, आसपास कहीं नहीं है, हम खरीद लेंगे ना कोई बात नहीं, किसी घर में किसी रखी हुई एक्वेरियम में तो वहां से पकड़ लेते हैं। खरीदी में मजा नहीं आता असल में, जो ऐसे पकड़ के बनाने मजा आता है। सॉरी सॉरी मजाक कर रही हूँ, लोग वैसे देख के समझते हैं मुझे कि वैसी हरकतें करती होंगी, लेकिन नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल ही, आई एम वेरी डिसेंट। 0514102251 हमारा नंबर है, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आज की मेहमान बहुत दोनों जबरदस्त हैं, और दो मुख्तलिफ फील्ड से हैं, एक तो बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से और किस तरह से उनकी वालदा ने उनकी रहनुमाई की, और जैनब भी इनको बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं, और इसके अलावा जो दूसरी गेस्ट हैं वो
सेहत की बात करेंगे, लेकिन ऐसी सेहत जो कि सिर्फ जिस्मानी नहीं है बल्कि मेंटल हेल्थ भी हमको डिस्कस करेंगे, ख़ासतौर पर ख़वातीन के हवाले से बात की जाएगी। तो आप भी कॉल कर सकते हैं। कुछ मिथ्स हैं जी, एक तो लोग डॉक्टर्स के पास जाने से वैसे भी घबराते हैं कि एक दफ़ा उनके हत्ते चढ़ गए तो फिर हम बच नहीं सकेंगे, और लेकिन ये कि अगर आप किसी भी बीमारी को बिल्कुल अर्ली स्टेज पर डायग्नोस कर लें तो फिर आप सेहत की तरफ वापस लौट सकते हैं। कुछ भी हो जाए यार, लाखों करोड़ों रुपए हो लेकिन सेहत ना हो तो ना खाने का मजा, किस चीज का भी मजा नहीं। सिंपल, अगर जुकाम हो जाए तो मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है और आपको कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा होता है। तो सेहत है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। और मुर्गी को देखें जी हमारी, कहाँ तक जी यार क्या खुशबू आई है। वाओ, क्या खास खुशबू है इसके, अपने मसाले ना शायद उसकी खुशबू है। डिफरेंट है। अच्छा, अब आजकल जो है एसेंस मिल जाते हैं, कोरमा एसेंस, कढ़ाई एसेंस। हाँ, हाँ। आप अगर जैसे हम तो उसमें डालते हैं ना कोवड़ा एसेंस, केवड़ा एसेंस वो डालते हैं, बिरयानी एसेंस तो आप ऐड कर सकते हो, तो थोड़ा सा उसका फ्लेवर जो है ना वो बड़ा इन्हेंस हो जाता है और फिर भूख बड़ी जल्दी लगती है। हाँ, मैं तो ऐसे कच्चे खा जाऊँ। जब बचपन में अम्मी चिकन बनाती थी तो मैं कलेजी के पकने के इंतजार में होती थी, जैसे पके तो मैं। अच्छा, और मैं, मेरा वेट होता था बस जैसे ही प्याज टमाटर का मसाला बना ना तो वो थोड़ा सा ले लेना। हाँ। और फिर वो रोटी के साथ खाना है जरूर। अच्छा, मैं इसमें जो हूँ ना अभी दही ऐड कर दूंगी। अच्छा, साथ ही दही ऐड कर दूंगी। दही कितना था, आधा कप ना? हाँ, हाफ कप था। ठीक है, हाफ कप दही। खुला दही लिया है ना? हाँ जी, खुला दही। अच्छा, अभी इसको ज़्यादा मैं वो मूव नहीं करूँगी क्योंकि ना आपने देखा होगा दही जब डालते हैं तो वो फट जाता है अचानक से। हाँ। और जब भी दही ऐड डालें तो आप जो है अपनी उसकी लो कर लें फ्लेम को, और फिर डालें तो उससे ये होगा कि दही फटेगा नहीं बहुत जल्दी। और आखिर में दही ऐड करें, कढ़ाई है या आपका कोरमा है उसमें। ठीक है जी, ये टिप्स जो है ना ज़ैनब को आमद हो रही है, नोट कर लें ताकि डिश आपकी कम्प्लीट हो जाए। कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं हानिया बोल रही हूँ। हानिया कराची से। कराची से हानिया, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। हानिया बोलो, टीवी, अच्छा एक तो टीवी को आहिस्ता करते थोड़ा सा ताकि मेरी आवाज बार बार ना आए। और अब बताएं क्या हाल चाल है, क्या इरादे हैं, दिन कैसे गुजारने हैं, क्या पकाना है? अल्लाह का शुक्र, माल पूरा बनाया ना। टीवी आहिस्ता कर दो हानिया। देखो मेरी आवाज, अभी दो मिनट बाद दोबारा आई है मुझे। हो गया आहिस्ता डिस्कनेक्ट? देखा ये ऐसे जालिम लोग बैठे हुए यहाँ पे, दो दो दफा आवाजें आगे डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो बात तो आपसे हो सकती है मेरी, और आप रात को 10:30 बजे रिपीट में प्रोग्राम देख सकते हैं, और 10:00 यूट्यूब पे जो है वो शो अपलोड हो जाता है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, आवाज़ भी सुन लें, डाउनलोड कर लें, बार बार देखें, जो दिल चाहे करें। लेकिन जब आप मेरे से बात कर रही हूँ या किसी भी शो में कॉल करें तो आपने टीवी बंद कर देना, आवाज़ बंद कर दे, देख शक्ल देखते रहें आवाज़ लेकिन ना आए, है ना, ये भी मज़ा आएगा। 0514102251 हानिया, अगर आप शो देख रही हैं दोबारा कॉल कीजिए कराची से। और कराची में अभी गर्मी चल रही है। कराची में अभी गर्मी है, और अभी हम सुबह न्यूज़ में जैसे देख रहे थे स्मॉग, वही बात बहुत ज़्यादा हुआ है। और पहले नंबर वन पे तो लाहौर, और फिर कराची जो शहर है, तो फिर कराची है। तो अभी जो लोग कराची लाहौर से यहाँ ट्रेवल करके इस्लामाबाद पहुँचते हैं, कोई चीज़ फैसिनेट बड़ी करती है कि साफ क्लियर नज़र आता होगा, तो वो कहते होंगे मेरी आंखें शायद ठीक होंगी। मेरे कज़न्स कराची से आए ना, तो कराची में तो ग्रीनरी है ही नहीं, तो हमने कहा आपको लेक पार्क लेके चलते, पुरानी बात है जैपनीज पार्क लेके चलते हैं ना, लेकिन रास्ते में इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन बेल्ट थी, कहते ये पार्क है, मैंने कहा नहीं ये तो ग्रीन बेल्ट है, अच्छा ये पार्क है, मैंने ये भी ग्रीन बेल्ट है, अच्छा इतनी ग्रीनरी मतलब वहाँ पे है ही नहीं। तो कोशिश करें आप, और इस्लामाबाद वाले ना वैसे भी हमारा जो वो होता है ना, हम नहीं किसी शहर में नहीं रह सकते, हमें इस माहौल की आदत हो गई है। हाँ, बहुत ट्रैफिक अभी तो अभी कुछ ज्यादा हुआ है इस्लामाबाद में, लेकिन बड़ा सुकून वाला कंपेयर टू लाहौर कराची, फिर भी बेहतर है, फिर भी बेहतर है। कराची में तो हम वैसे भी ट्रैवल नहीं कर सकते, खुद ड्राइविंग जिसको आती भी हो ना एग्जैक्टली वो भाई नहीं मुश्किल है। अब मेरा अगला एडवेंचर जो है ना वो बाय रोड कराची जाने का है, अपनी गाड़ी में, लेकिन आप और मैं चलते हैं फिर, हम दोनों जा रहे हैं हाईवे कढ़ाई, ब्लॉग बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हाईवे कढ़ाइयां खाते हुए। लेकिन लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, वापस आएंगे, चिकन रेडी हो चुकी है, बड़े तमीज से तैयार हो रही है, मजा आएगा। ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आइए। मालूम तो हो चुका होगा कि मेहमान हमारे जो है वो आ चुकी हैं, और दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग खातून हैं, आज बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही मतलब गपशप लगेगी।
कोशिश हम करेंगे कि हम बातों बातों में कुछ आपको सिखा भी दें, क्योंकि बात सेहत के हवाले से होगी और अगर सेहत अच्छी हो तो दुनिया का कोई भी काम आप कर सकते हैं। तो मेरे साथ बैठी हैं बहुत ही अच्छा, जब ये आई तो मैंने लगा डॉक्टर इतनी मतलब माशाल्लाह सो ग्लैमरस और इतना अपने आपको फिट रखा हुआ है और बहुत ही प्यारा सा लड्डू पीला कलर पहन कर आई हैं। लेट्स वेलकम जी डॉक्टर मरियम साकिब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच रिदा। और दूसरी बात ये कि जब इतना वाइब्रेंट होस्ट बैठा हो, इतना कलरफुल, इतना एनर्जेटिक, तो लड्डू पीने ने तो खुद ही बाहर आ हाँ, और क्या नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। बड़ा जरूरी है एक अच्छी खास गायनेकोलॉजिस्ट का अच्छा होना, अच्छा होना एग्जैक्टली डॉक्टर का अच्छा होना। और मैं स्पेशली ये कहती हूँ कि डॉक्टर जब बैठा हो और अंदर फीमेल पेशेंट्स जब उसके पास आए तो उसको एनर्जी मिले, खौफ महसूस ना हो, आप तो गए बस महसूस ना हो। एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये कि वो तो ऑलरेडी परेशान आते हैं, अगर डॉक्टर भी डिप्रेस और सप्रेस किस्म का बैठा होगा तो वो उसको उस तरह मोटिवेट नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। और हमारी लाइफ में तो मोटिवेशन की वैसे ही बहुत कमी है, टाइम नहीं है लोगों के पास कि वो किसी को मोटिवेट कर सके। डॉक्टर्स के ऊपर इतना बर्डन है कि वो फिर बस प्रिस्क्रिप्शन और बहुत लिमिटेड बात करते हैं क्योंकि टाइम इतना नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि एज अ डॉक्टर जो है वो जरूरी है कि आप पेशेंट को सुने। बिल्कुल सही। और उसकी आधे प्रॉब्लम्स जो हैं, मैं तो ये समझती हूँ कि उसके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सिर्फ काउंसलिंग से ही खत्म हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। मेडिसिन तो देखे आप, पता होता है डॉक्टर को भी कि ये मेडिकल प्रॉब्लम है, इससे ये चीज ठीक हो जाएगी। गाइडेंस बहुत जरूरी है। आज मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला, मुझे लगता है एक तो प्यारी सी डॉक्टर बैठी हो, ऊपर से बोल भी इतना अच्छा रही, तो फिर मैं कौन उनके साथ बैठी है जी। पता नहीं कौन बैठी है, हमने किसको बुलाया था और कौन आ गया जी। वेरी प्रिटी, बहुत टैलेंटेड भी है, एंटरप्रेन्योर भी है, बिजनेस भी है, और मैं उनको जानती भी हूँ। नताशा नियाज़ी, अस्सलाम वालेकुम नताशा, क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे आज हैं? क्या होगा, आज कौन तस्वीरें खींचेगा, आज कौन ब्लॉगिंग करेगा, है रहा नहीं जा रहा है ना उसके बगैर, बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा हूँ। मैं बहुत चीज इस चीज को ना मिस कर रही हूँ कि ना तो मैं पिक्चर्स बना पा रही हूँ ना ब्लॉगिंग कर पा रही हूँ। अच्छा, आप इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं? हाँ जी बिल्कुल। और इसके अलावा बिजनेस भी कर रही हैं? बिजनेस भी कर रही हूँ, टिकटॉकर भी हूँ, टिकटॉकर पे वीडियोस भी बनाती हूँ, वीडियो क्रिएटर भी हूँ। कुछ रह गया? अभी बहुत कुछ और भी करने को दिल करता है। That's the spirit. That's the spirit. तो जी नताशा से अगर आपने बात करनी हो या सेहत के वाले से आपने डॉक्टर मरियम से बात करनी हो तो आप हमें 051-410-251 पे कॉल कर सकते हैं। और अब हंसी मजाक में कोशिश करेंगे कि हम अपने जो चिकन है हाईवे चिकन उसको भी ना भूल पाए, क्योंकि हम खाली पेट तो बात वैसे भी नहीं होती मेरे से। मरियम कहाँ तक पहुंची मुर्गी? और जल्दी ही वो जो है वो डेस्टिनेशन नहीं, ये ऑलमोस्ट डन है, बस मैं सैलेड बना रही हूँ, मैं खाने की पूरी तैयारी कर रही हूँ, आज हम जो है ब्रंच करेंगे। जबरदस्त, ये ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए, ठीक है, बस पे मैं डिश आउट कर लेती हूँ। हाँ, मैंने आहिस्ता कर दिया, मैंने कहा आप जब तक बातचीत कर रहे हैं देखते रहेंगे। अच्छा ठीक है, मैं तेज कर देती हूँ। अच्छा जी मरियम, कमिंग बैक टू यू, ये बताइएगा कि गायनेकोलॉजी आपने चूज की, इसकी क्यों खास वजह थी? जी, इसकी बहुत ही खास वजह थी। एक्चुअली हम लोग माशाल्लाह 4 ब्रदर एंड सिस्टर्स जो हैं वो डॉक्टर हैं, तो मैं सबसे छोटी हूँ, तो मेरी इंस्पिरेशन मेरे बहन भाई थे। मतलब एक चीज होती है कि आप अपने जब सिबलिंग्स को देखते हैं और फिर उनसे आपको एक मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन होती है, तो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन इस चीज की थी कि बस डॉक्टर ही बनना है और गायनी, क्योंकि गायनी ऐसी फील्ड होती है जो एक बड़ी पावरफुल फील्ड है। ठीक ठीक। उसमें आप देखें, उसमें सर्जरी भी आ जाती है, उसमें आपकी अल्ट्रासाउंड भी आता है, चाइल्ड हेल्थ भी आता है, उसमें कई मतलब वो एक कॉम्प्लेक्स फील्ड है। उसमें आप मल्टीपल जो मेडिसिन से रिलेटेड जो जितनी भी डिफरेंट चीज़ें हैं वो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो। ठीक हो गया। तो मुझे मल्टीटास्किंग फील्ड्स एक्चुअली पसंद थी। अच्छा। तो पहले इनिशियली मैंने मास्टर्स किया पब्लिक हेल्थ में, इस्लामाबाद से ही? जी, मैंने यहीं से किया मास्टर्स किया पब्लिक हेल्थ में, फिर मैंने हेल्थ मैनेजमेंट में काम किया काफ़ी टाइम। उसके बाद चूंकि वो गायनी वाला एक कीड़ा था अंदर, वो बार बार निकल के आता था, सर्जरी का वो जो था एक मुझे शौक था। फिर थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं इनिशियली, बच्चे छोटे थे तो मैं उस तरफ नहीं मूव कर सकी। फिर लेटर फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे पास एक राइट टाइम है और मैंने अपनी आप जो मुझे फील्ड पसंद है मैं उस तरफ मूव करूँ। लेकिन बड़ा बेनिफिट हुआ मुझे दोनों चीज़ों से। ठीक। उससे बेनिफिट मुझे ये हुआ कि मैनेजमेंट में जब आप होते हो हेल्थ मैनेजमेंट में, तो आपको दूसरे एस्पेक्ट से चीज़ें नज़र आती हैं। मतलब आप ऊपर से देखते हो ना चीज़ों को, नीचे की तरफ देखते हो।
मगर जब आप क्लिनिकल फील्ड में आते हो तो फिर आप नीचे से ऊपर की तरफ चीजें देखते हैं क्योंकि आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन पेशेंट के साथ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उससे मुझे ये हुआ कि मुझे दोनों चीजों का एक्सपीरियंस हुआ, हेल्थ मैनेजमेंट का और क्लिनिकल साइड का। फिर मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, डिफरेंट हॉस्पिटल सेटअप्स में काम किया। ठीक। फाइनली फिर ये हुआ कि मैंने फिर अपना कितना अर्सा हो गया प्रैक्टिस करते हुए 18 इयर्स माशाल्लाह जबरदस्त। और बस डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लेने के बाद अब यह है कि मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस पे ही ज्यादा फोकस कर रही हूँ। ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि जरूरत है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट सेटअप्स जो है, हॉस्पिटल्स जो है, उन पे वर्कलोड बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। और दूसरा यह कि जो बड़ी अच्छी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है बहुत ज्यादा। तो मुझे लगता है कि आपको प्रैक्टिस इस तरह करनी चाहिए कि आप हर तबके को आप अपनी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हो। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, बिल्कुल सही, बेसिक राइट है। मुझे होता है कि मेरे पास जो पेशेंट आए कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। मतलब मैं पेशेंट्स अगर बहुत ज्यादा वेट करते हैं या मैं कहती हूँ आपको उतना ही टाइम मिलेगा, लेकिन मुझे पेशेंट की बात सुननी है, उसका प्रॉब्लम समझना है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नॉर्मली हम लोग सेहत को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन जब ऐसे आप हाथ निकलना शुरू हो जाती है तो मालूम होता है कि कितनी बड़ी नेमत से जो है मैं यहां पे, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूं, मैं पर्सनली इस नतीजे पे पहुंची हूं कि बिल्कुल ठीक किसी ने कहा है कि जिंदगी नेमत है और तंदुरुस्ती हजार नेमत। अपने सेहत की कदर करें मगर वक्त पे कदर करें, वक्त पे कदर करें जी। मेरा एलर्जी का दौरा मुझे पड़ जाए तो मुझे टिश्यू भी चाहिए गुलदान भाई, ना कि मैं गोली खा लूं, डॉक्टर के आने की देर थी, बरकत ही बरकत है उसके बाद। अच्छा नताशा, आप बिजनेस की तरफ कैसे आई? सबसे पहले तो हमें जो इंस्पिरेशन है अपनी मदर से मुझे मिली थी, ठीक है, क्योंकि मामा ने जब स्टार्ट किया तो एक हुआ कि भाई जो जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो अम्मा की तरफ से आई है, क्योंकि इतनी इनकरेजमेंट अगर आपको आपकी फैमिली से मिले तो तभी आप जो है वो आगे बढ़ने का हौसला आता है। बिल्कुल सही। और जो मदर को ये सब करने का जो है वो हौसला मेरे बाबा ने दिया। ओह जबरदस्त। तो क्योंकि वो खुद बिजनेस मैन थे और उनको ये था कि तुम घर में क्या करती हो, कुछ करना चाहिए तुम्हें। हाँ, हाँ। तो अम्मा को इनकरेज करने वाले बाबा थे। तो जब मामा ने जब स्टार्ट किया 23 इयर्स बैक, उस वक्त पायनियर्स थी, आप मदर को पायनियर्स में से ले सकते हैं, बिकॉज वहाँ उस टाइम पे कोई भी मार्केट में ऐसी औरत नहीं थी जो ये बिजनेस कर रही हो। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? याहिया बात कर रहा हूं। याहिया कहाँ थे, कराची को क्या हाल है? कराची इज गेटिंग वेल, अल्लाह का शुक्र है, मौसम अच्छा हो रहा है, जबरदस्त। कुछ हमें थोड़ी इस्लामाबाद से कुछ भेज दिया गया, अच्छी हवाएं। क्यों क्यों भेजे भाई, हम आपने समंदर कभी भेजा है? हमें समंदर रखा है अपने पास, ना ऊंट भेज दें। यकीन करें कि आप खुशकिस्मत है, इस्लामाबाद में रहती है, जो यहाँ ग्रीनरी है ना, जो हम यहाँ से महरूम हो गए, हमारा तो यहाँ कंक्रीट का जंगल बन चुका है। हाँ। तो अल्लाह का शुक्र, तो आप अच्छी जगह हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। नो, आई एम रियली हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड टू बी इन इस्लामाबाद। मैं पहले तो आपको तमाम खवातीन को सलाम पेश करना चाहूंगा। वालेकुम सलाम खवातीन। और खुदा के लिए जब खवातीन का रोना है ना, पसमानदगी का छोड़ दें, क्योंकि अब अल्लाह कौन रो रहा है, कोई भी नहीं रो रहा है। आप नहीं रो रहे हैं, लेकिन अक्सर टेलीविजन के प्रोग्रामों में मैं देखता हूँ, मैं मॉर्निंग शोज को पूरा कवर कर रहा हूँ, मेरी फीडबैक होती है, लेकिन मैं पता है, लेकिन जो चीज आपने अचीव कर ली ना, तो रिकॉग्नाइज करें उनको। और क्या, हमें प्राउड फील करना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में, आप यकीन करें कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मिल्क है जिसमें दो दफा एक औरत प्राइम मिनिस्टर बनी, ठीक है, यहाँ गवर्नर बनी औरत, और उस वक्त बनी जब कोई नहीं होता था, राणा लियाकत अली खान। आज आपके यहाँ आर्मी में, एयरफोर्स में, मेडिकल फील्ड में, और हर जगह हमारे स्टेट बैंक की गवर्नर रह चुकी है। जी जी बिल्कुल, और इवन अभी फॉरेन अफेयर्स में भी है ना हमारी खातून काम कर रही है, तो शुक्र है। हाँ। ये हमें रखना, और मेरा जो सवाल इनसे है ना, तमाम जो बैठे हैं खवातीन, हमारी खास खुशी डॉक्टर साहबा बैठी हुई है, देखिए इट्स अ हार्ड जॉब, डॉक्टर ऐसी जॉब होती है जिसमें बड़ी डेडिकेशन चाहिए होती है, और उसके अंदर किसी वक्त पता नहीं होता कि आपकी अगर ऐसी जॉब है, आपकी 24 ऑन कॉल है। हाँ। तो ये एक चीज को मैनेज करना वेरी हार्ड है, क्योंकि जाहिर बच्चे हैं आपके, अगर ससुराल में रह रहे हैं कि लोग उस पर आपको फेस करना पड़ता है, हाउ यू टैकल दिस। और दूसरा मेरा सवाल ये कि आज हम अगर आज हमारे हम जो आपकी मर्दों की सपोर्ट है घर की, वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैं समझता हूँ कि अगर कोई औरत काम कर रही है, और अगर मेरी बीवी अगर जॉब कर रही है, तो हम जब वो घर आती है तो हम इसी तरह ट्रीट करेंगे, वो एक औरत थकी भी आई है तो जाहिर है उसको इसी तरह हम ट्रीट करेंगे। हम मर्दों के लिए तो करते हैं लेकिन औरतों के लिए नहीं करते, ये मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच। क्या सवाल, क्या करना, बात ही खत्म कर दी उन्होंने। हाँ, और क्या,
बट हम लोग देखिए खवातीन बेशक मसाइल हैं हमारे साथ भी, एक औरत के लिए आगे तक बढ़ना ज़रा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू मर्द हज़रात के, मैं उन्हें बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो पहुँच चुके हैं यहाँ तक उनको उसको ऑनर करना चाहिए, उसको ऑन करना चाहिए, करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो रिदा मैं इंपॉर्टेंट चीज़ समझती हूँ ना, वो ये है कि आपके पास अगर कोई पढ़ी लिखी आपकी फैमिली में बच्ची है जी, या आपकी वाइफ बहन या कोई भी, तो सबसे पहले जो घर में ऑलरेडी खवातीन है ना उनको सपोर्टिव रोल प्ले करना बिल्कुल चाहिए। सही, जैसे इनकी अम्मी बिल्कुल हाँ, हाँ। उनको उनको चाहिए एनकरेज करें, देखिए अपने पेरेंट्स तो कर ही देते हैं ना, तो स्पेशली मैं इन लॉज के लिए ज़रूर कहूँगी कि आप स्पेशली अगर आप सोचते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा कोई बिजनेस वुमन आप लेकर आ रहे हैं घर में, डॉक्टर है इंजीनियर है, वो जब आती है तो अपना एक कैरियर भी साथ लेकर आती हाँ, है हाँ। और ज़ाहिर है बच्चियों की शादियाँ 24 25 26 साल में होती हैं, फिर उसी में उन्होंने फैमिली भी अपनी कम्प्लीट करनी होती है, तो ये प्रेशर फील होता है कि इस उम्र में शादी हो जाए exactly, बच्चे भी हो जाएं, घर भी देख लें, और बहुत सारी बच्चियों का कैरियर जो है ना वो सिर्फ इसी वजह से पीछे रह जाता है, और बड़ी एनर्जेटिक बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां जो होती हैं वो इसीलिए सिर्फ आगे नहीं बढ़ पाती क्योंकि, और हमारी सोसाइटी में भी देखें अब बच्चे हो गए, अब लाजमी तो नहीं कि फैमिली में कोई मौजूद हो संभालने वाला, मगर आप ये चीज देखें कि डे केयर फैसिलिटीज नहीं है बहुत कम, देखें अगर जैसे आप आ रही हैं इधर सेट पे और एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपको अपने बच्चे को कहीं ड्रॉप करना है, तो इस्लामाबाद में तो फिर भी हमारे पास या कराची है या बड़े शहर है वहाँ डे केयर फैसिलिटीज हैं, लेकिन जो थोड़े छोटे शहर है वहाँ पे नहीं, नहीं, है, नहीं, नहीं है। मतलब अच्छा आइडिया है डॉक्टर मरियम का कि जिस इदारे में काम करे छोटा सा कमरा बना दे जहाँ पे बच्चों को माओ को भी तसल्ली रहती है। एग्जैक्टली जब मैं इस्लामाबाद आई और मैंने अपना पहला जॉब इंटरव्यू एक बड़े बहुत अच्छे बड़े हॉस्पिटल में दिया, वहाँ मेरी सिलेक्शन भी हो गई, बच्चा मेरे बहुत छोटे थे उस वक्त, तो वहाँ पे मुझे एक अच्छी चीज़ ये लगी कि उन्होंने डे केयर अपना एक सेटअप बनाया हुआ था। ठीक है ठीक है। यहाँ के हॉस्पिटल्स में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी है मगर बहुत सारे शहरों में बिल्कुल नहीं, नहीं है, नॉर्मली नहीं है। इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए ताकि फीमेल जो है वो बिल्कुल मेंटली फ्री होके काम कर सके। बिल्कुल सही। जब उनका ध्यान इधर आप काम करने आते हैं और पीछे बच्चों की तरफ लगा रहेगा तो वो उतनी प्रोडक्टिव नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। और हर किसी में इन लॉज में जाहिर आपको कुछ आउटलॉज भी होते हैं, नहीं उसके अलावा वो नहीं भी कर पाते, ओल्ड एज होते हैं या उनके अपने मसाइल होते हैं, तो चाय कावा किसका, चाय किसकी कावा किसके, कावा आपके, तो मैं आगे कर देती हूँ ताकि आप इसको लें। थैंक यू सो मच। ले जी नताशा, अम्मा ने क्या काम शुरू किया था 15-20 साल पहले? अम्मा ने पहले तो मैं आपको बताऊं कि घर से स्टार्ट लिया था। ठीक है ठीक है। घर पे ये था कि कपड़ा लेके आती थी पेशावर से, अच्छा वेलवेट और इस टाइप का जो ज्यादा ट्रेंडिंग में था, फिर वो घर से सेल करना स्टार्ट किया, तो किसी ने बोला उनको कि तुम घर पे कर रही हो तो मार्केट में क्यों नहीं करती हो। सही। बस वो उनके माइंड में आया कि मार्केट में भी अगर हम करें तो मैं कर सकती हूँ, मुझे तो कोई मसला है, क्योंकि मेरी अम्मा बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, उनको भी बुलाना चाहिए स्टार्टिंग से। बिल्कुल जरूर बुलाएं आप उनको, आपको बड़ी चीजें उनसे सीखने को मिलेंगी, बड़ा वो अपना एक्सपीरियंस जब आपसे शेयर करेंगी। बिल्कुल। हम लोग उस वक्त बहुत छोटे छोटे थे, तो जब उन्होंने स्टार्ट लिया फिर उन्होंने कहा कि घर का, मैं बड़ी बहन थी तो छोटे बहन भाई थोड़े छोटे थे, उनको फिर देखना सारा, अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करना, तो वो चीज साथ में लेके चलना थोड़ा था मुश्किल, बट सपोर्ट किया सबने, किया किसी ने रोका नहीं कि क्यों कर रहे हो, मार्केट में क्यों जा रहे हो। जब अम्मा ने मार्केट में स्टार्ट किया तो बेसमेंट में एक छोटी सी शॉप उनको मिली थी, मैंने कहा इट्स ओके ठीक है, एक दिन आएगा कि मुझे ऊपर भी कोई ऐसा मौका अच्छी जगह मिल जाएगी। वहाँ पे मेरा ख्याल है 2 साल जब उन्होंने किया तो उसके बाद वाकई में एक मेन कपड़े का ही काम शुरू किया, नहीं कॉस्मेटिक्स, हाँ, फिर उन्होंने अपना जो है वो चेंज कर लिया, उन्होंने कहा कि नहीं कॉस्मेटिक्स ठीक है, बिकॉज वो थोड़ा पेशावर से लेके आना जो है वो आपको पता है थोड़ा ठीक कस्टम और ये वो, तो उसकी वजह से। अच्छा यहाँ काम शुरू होने से पहले मसले शुरू हो जाते हैं, फिर करना चाहिए थोड़ा सा। आज से 10-15 साल पहले 20 साल पहले किसी खातून के लिए कोई शॉप लेके उसे स्टार्ट करना, अब तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया है कि तो अभी तो ये वाली स्टेज आ गई है कि मेरी मदर ने ऐसी बहुत सी औरतों को जो है खुद बना के दिया है कि आप यहाँ जाओ यहाँ से चीजें परचेज करो, और आप क्योंकि देखिए जो गांव से जो लोग बिलोंग करते हैं वो लोग शहर में रोज नहीं आ सकते। बिल्कुल सही। वो अपनी प्राइवेट चीजें जो उनकी हैं लेडीज की वो आप जेंट्स से नहीं ले सकते। मेन कॉन्सेप्ट मेरी मदर का ये था सही कि जो
पर्दे की चीज है वो, अगर पर्दे में ली जाए तो वो ज्यादा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दूसरा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का मकसद था कि फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक शिकायत ये भी होती है कि बहुत ही एम्पावर्ड हो जाती हैं, वो थोड़ी सी बदतहजीब हो जाती हैं। ऐसा है, होता है ऐसा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दोनों अपनी अपनी राय दे सकते हैं, बिल्कुल। पहले आप बताइए, फिर आप बताइए। देखिए, इसमें ना आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत, दो चीज़ें होती हैं, या अगर कोई पर्सन बहुत सफ़र करता है तो दो सिचुएशंस होती हैं, या तो वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है या वो बहुत नेगेटिव हो जाता है। वो चाहता है कि जो मैंने फेस किया वो कोई और फेस ना करे, और अगर नेगेटिव होता है तो उसको लगता है कि जो मैंने सफरिंग्स देखी दूसरा भी आसानी से उसे कोई चीज़ ना मिले। हाँ, वेरी राइट। उसको लगता है कि जिस तरह मैंने सफ़र किया ये भी इसी तरह से, इसको क्यों इतनी ईजिली कोई चीज़ प्लेट में। यहीं से सारी चीज़ शुरू होती है कि आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखें, जैसे इनकी मदर ने और लोगों को फिर आगे करवाया, इनकरेज किया। देखें, ये चीज़ सोसाइटी में ना कुछ तरक्की करने के लिए, स्पेशली खवातीन में, आप दूसरों को इनकरेज करें, दूसरी फीमेल्स को इनकरेज करें। तो इनसिक्योर होती है खवातीन की कि हमारा हक ना मारा जाए, जो इनकरेज नहीं करती हैं। मिस गाइडेंस ना बहुत मैटर। मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ, आप देखें सिजेरियन का रेट अक्सर मैं सुन रही होती हूँ ना, जैसे मुझे आके पेशेंट्स अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं। वो मेरी भाभी ने करवाया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी में तो बहुत पेन होता है, तुम डायरेक्ट सिजेरियन करवा लो। गलत बताया, मोटिवेशन। और उसका माइंडसेट होते हैं सर्जरी का अपना रिस्क होता है। आप एक नॉर्मल रूटीन लाइफ में बहुत जल्दी नॉर्मल डिलीवरी के बाद आते हो, उसका ऐसा माइंडसेट हो जाता है कि वो कहते हैं मैंने जाना ही नहीं है नॉर्मल डिलीवरी, मैंने इलेक्टिव ही करवाया। ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा है सर्जरी का, जो ट्रॉमा भी है, प्लस ये कि आपके इर्द गिर्द खवातीन जो होती हैं उनकी जो मेंटल स्टेट है वो दूसरी फीमेल के ऊपर बहुत असरअंदाज होती है। आप जिस माहौल में रह रहे हैं वो बहुत असरअंदाज होता है। इस पे अगर इंसान खुद पॉजिटिव रहे और दूसरों को भी पॉजिटिव अपना एटीट्यूड रखे, पॉजिटिव वाइब्स दे, तो बहुत अच्छा असर पड़ता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अब इनकी मदर ने स्ट्रगल की, स्ट्रगल करके उन्होंने दूसरों को मोटिवेट किया, अपनी बच्ची को खड़ा किया, यानी एक खातून ने कितने लोगों के लिए अच्छा के वसीला बनी, वसीला बनी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो आपको हर चीज सबसे पहले अपने घर से, कोई, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ घर में अगर औरत स्ट्रांग है ना तो उसकी नस्लें तरक्की कर जाती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कि हमारी जो उसी बात को बढ़ाए ना कि आपके घर से, मैं वही बात करना चाहूंगी कि जो मैंने जो चीज देखी है वो ये कि लड़कियों को माइंड में भी, वो मेरा ख्याल है छोटी सी होती है, सबसे पहले शादी इमेज डाल दिया जाता है, सही, कि मैं तो इसका जहेज इकट्ठा कर रही हूँ। ठीक है, जहेज जहेज सुन के बच्ची के माइंड में ये आता है कि जी लाइफ में बस एक शादी है जो मैंने करनी है। ठीक है, वो नॉवेल्स पढ़ती है, नॉवेल्स में भी वही सब होता है, ड्रामे देखती है, ड्रामे एक में बड़ी सी है। गाड़ी में एक शहजादा आए, शहजादा आए या ना आए, लेकिन उसने तो वो माइंड में बन बिठा लिया। बिल्कुल सही। अच्छा, पढ़ाई पे कोई वो नहीं होगा कि बस उसने ये है कि अपने आप को कैसे सेट रखे। सही कह रही हो, हमारे नॉवलों में लड़की लेड बैक होता है उसका ना, आराम से घर में बैठी हुई, नॉवल पढ़ी है, पिंक कॉटन का सूट पहना, चप्पल पहनी, चप्पल पहनी, उसने पुलाव बनाया, उसने ये किया, इतने में फ्लां कजन आया। आप लिटरली आप ये नॉवेल्स में पढ़ लें, मैंने किसी में, किसी नॉवल में, जब देखो हवा चल रही है, मैंने किसी नॉवल में ये नहीं पढ़ा कि लड़की ने ये काम सीखा, उसने सिलाई कढ़ाई का काम सीखा तो उसको आगे उसने अर्न करना भी सीखा। ये चीज मेरे अजीज सही कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल। और फाइनेंशियली स्टेबल, जब जैसे जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है ना, सिखा तो घर में भी स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी आती है। एग्जैक्टली, आप अपने आप क्यों स्ट्रगल करते हो? बेसिकली आप इसलिए करते हो कि आप माशरे में अपना एक मकाम बना सको। आपके आपको ना चाहते हुए भी जब आप अपने इर्द गिर्द अपने फैमिली में दूसरे कजन्स को, रिश्तेदारों को देखते हो तो आप चाहते हो कि हमारे बच्चों को भी ये फैसिलिटी मिले। बिल्कुल सही। वो कॉन्फिडेंटली जब जाएं किसी तकरीब में बैठे तो वो कॉन्फिडेंटली बैठे, उनके पास भी अच्छा लिबास हो, उनके पास अच्छी गाड़ी हो, आप अपनी रिस्पेक्ट के लिए तो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। जैनब आप ऐड ऑन कर सकती हो, झूठी अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही हो, लेकिन बोल सकती हो जो दिल चाहे बीच में, यू कैन ऐड ऑन व्हाटएवर यू लाइक टू से। मैं एग्री करूंगी कि हमें ना स्ट्रगल करना नहीं बताया जाता है कि हमने स्ट्रगल करके आगे बढ़ना है और हमने मेहनत करनी है या कोई कला सीखनी है, कोई हुनर सीखना है, और बस यही वो दिमाग में आपका शादी 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 डाल देते हैं। मैं अपनी अम्मी को इस चीज पे क्रेडिट दूंगी रिदा, कि मेरी मदर क्या करती थी कि जैसे ही मेरा ड्यूरिंग MBBS जब कोई ब्रेक आता था ना तो मेरी मदर कहती थी अब इस ब्रेक में तुमने जो 2-3 महीने का क्या करना है बताओ, कुछ ना कुछ पेंटिंग सिखाने भेज देती थी। आप सोचे, मैं एज अ डॉक्टर मैं पढ़ती थी और जब ब्रेक आता था तो उसमें कभी मैं अपने मैंने हाथों से सूटों पे एम्ब्रॉयडरीज की है। क्या बात है, मतलब आप अपनी खाली नहीं मेली नहीं बैठी से कहते हैं, आप अपनी बच्चियों को ना स्किल्स स्किल्ड करें। बानो कुछ ने बड़ी अच्छी बात बोली,
जो इतनी तलख बात बोली कि शायद हम लोग ना सोच सके ना सुन सके, कहती थी बच्चियों को सिखाएं गाना खास कल को मियाँ सर पे ना रहे, तलाक हो जाए उसके बाद सर्वाइव कैसे करना है, बच्चे ना हो तो जिंदगी कैसे गुजारनी है। अलविदा इसमें आप ये चीज अल्लाह ना करे, आप नोटिस करें कि जो बच्चियां फाइनेंशियली या अपने प्रोफेशन में कदम रख के जब एंटर होती हैं शादीशुदा जिंदगी में, तो उनकी एक जो पावर होती है या उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बड़ी स्टेबल होकर चलती है। आपको मैं डॉक्टर्स का भी बताऊं, इवन कि जब शादी हो जाती है और अगर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में कदम नहीं रखा होता और पहले ही हो जाती है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम्स क्लियर करना ही बड़ा मुश्किल काम मुश्किल हो जाता है। उसमें उनको कई कई अटेम्प्ट्स में क्लियर करना पड़ता है। अब जो नॉन डॉक्टर्स होते हैं उनको लगता है अच्छा आपका क्लियर नहीं हुआ, वो एक इतना प्रेशर उस बच्ची के ऊपर होता है कि वो उस प्रेशर की वजह से भी अपना एग्जाम नहीं क्लियर नहीं दे पाती है। अब अगर उसने एग्जाम दिया होगा और वो ऑलरेडी उस इन लॉज को भी पता होगा कि ये अपनी ट्रेनिंग कर रही है, इसने जाना है डेली बेसिस पे, इसका 4 साल का एक कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, तो वो ऑलरेडी उसे मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सही। जब वो शादी के बाद घर आ जाती है और बैठ जाती है तो फिर वो उसे कहते हैं कि अब वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये बाहर जाके 12 घंटे 24 घंटे हॉस्पिटल में गुजारे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी बात को आगे हम बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद मैं सेहत के वाले से ऑफ ट्रैक थोड़ा सा हम हो गए, खवातीन की हेल्थ के वाले से बात करूंगी, लेकिन आजकल क्या कह रही हूँ बिजनेस में किस तरह से आ चुकी हो, तो कहाँ तक उसको पहुँचा दिए, अम्मी ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी है ना, हाँ जी, उसको आगे भी तो बढ़ाना है। बिल्कुल। अभी मैंने एक स्टोर बनाया है इस्लामाबाद में। अच्छा। तो वो मैंने आगे लेडीज को दिया है कि वो रेंट कर रही है, ठीक है, क्योंकि मुझे उधर भी जाना होता है अपना पिंडी वाला स्टोर भी उधर भी देखना होता है। उसके अलावा मेरा अभी प्लान आगे है, मैंने पहले ऑनलाइन स्टार्ट किया था लेकिन वो थोड़ा मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन ये है कि ऑनलाइन स्टार्ट करने का भी मेरा प्लान है, क्योंकि अभी जब से कोविड का वो स्टार्ट हुआ तो आपको पता है कि मोस्टली जो कस्टमर्स हैं वो थोड़े लेजी हो गए हैं, वो कहते हैं घर में चीज़ आ जाए, और रिलायबल आपको पता है कि वेबसाइट से चीज़ लेना फ्रॉड बहुत है, स्कैम्स बहुत ज़्यादा स्कैम्स हैं, बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं, इवन बहुत ज्यादा जो अगर फ्रॉड है इसमें, हाँ बहुत ज्यादा दोनों साइड से फ्रॉड है। अच्छा। हाँ मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया, मेरे बड़े अच्छे कुछ ऐसे पेजेस हैं जिनसे मैं शॉपिंग करती हूँ ना, सही, तो उसमें क्या होता है कि जैसे वो जब किसी को डिलीवर करने जाते हैं ना, तो वो वहाँ पे जब जाते हैं तो वो पैक्स अंदर ले जाते हैं। हाँ, तो ओपन करना भी अलाउ नहीं होता ना, ओपन करते हैं उसके अंदर पुरानी जो चीज होती है वो अंदर डाल के उसे बंद करके उसे कहते हैं घर पे नहीं आप हम रिसीव नहीं, वो बहुत बुरी बात है। आप सोचें घर में कोई बैठ के छोटा सा चेंज कर लेते हैं, चीजें निकालनी पुरानी मैंने भी फर्स्ट टाइम मैंने 2-3 ऐसा हुआ है और उन्होंने फिर वो एडवांस पेमेंट पे आ जाते हैं। अच्छा, ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे फिर आप सोचें कि वो पे भी बिचारी कर रही है, उनका सामान भी वापस जा रहा है, उनको लॉस भी हो रहा है, और फिर इतने छोटे लेवल पे जब कोई घर बैठ के बिजनेस इतनी स्ट्रगल कर रहा है, बिल्कुल सही। तो आपको फिर कोऑपरेटिव होना चाहिए, या अगर आपने कोई चीज ऑर्डर कर दी है तो ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप फिर अगर आपको नहीं भी बाद में कोई चीज सब कुछ जमीन रुक गई, आसमान जो है वो धमकना भूल गया क्योंकि हमारा चिकन जो है रेडी हो चुका है। क्या डायलॉग मारा मैंने, सैलेड के साथ ही हमारा हाईवे चिकन इज रेडी एंड यू आर वेटिंग कि नान आए तो फिर हम इसको साथ इंसाफ करें। वेरी टेम्पटिंग या कल बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा लग रहा है, नान आए हुए, कांग्रेचुलेशन, जबरदस्त। सारे मतलब माहौल बदल गया ना फन स्टूडियो का। अच्छा, अब हम जरा बात कर लें हेल्थ के हवाले से, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। खवातीन के नॉर्मली हेल्थ को हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जब तक सर पे ना पड़ जाए, बिल्कुल बेड पर ना आ जाए, हम लोग ख्याल नहीं करते हैं। तो बेसिक क्या इश्यूज खवातीन लेकर आती हैं आपके पास? बेसिक जो आते हैं ना सबसे ज़्यादा उनमें एक तो बैकएक का बहुत प्रॉब्लम होता है, हाँ कमर की तकलीफ, क्योंकि फीमेल में कैल्शियम डेफिशिएंसी इसलिए कि बहुत काम करती हैं। दूसरी बात यह कि मल्टीपल डिलीवरीज होती हैं, उसमें जब डिलीवरी एक डिलीवरी से दूसरी डिलीवरी के दौरान ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, कितना होना चाहिए? 33 मंथ्स अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, 2 साल का आप गैप दें और अच्छा। उसके बाद फिर 9 मंथ्स ऐड करें तो 33 मंथ्स, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू WHO 3 साल का वक्फा होना चाहिए, ठीक है, इतने में बॉडी हील कर जाती है, बॉडी हील करती है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए जब शॉर्ट होता है, दूसरा बच्चियां अर्ली एज में अगर प्रेग्नेंट हो जाती है थोड़ा सा वक्फा ले लें हम भी, क्योंकि कॉलर का प्रोग्राम भी शामिल करना है। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी, पहले जैसी आप सुनाएं, क्या नाम है, कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं सरीना बात कर रही हूँ विहाड़ी से। विहाड़ी से, अच्छा अच्छा, क्या हाल चाल है जी? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं, आपके गेस्ट कैसे हैं?
आपको कैसे लग रहे हैं गेस्ट? बहुत अच्छे लग रहे हैं। है ना, मिल गया सवाल का जवाब। और क्या कहना चाहोगी, कुछ सवाल है आपके पास? जी सवाल तो है बट लेकिन पूछना नहीं है जी, पूछना है। हाँ तो पूछो। जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि पहले भी हमारी बात हुई थी, आपने बालों के टोटके के बारे में बताया था, तो आपने बताया था मेथी दाना, हाँ हाँ, कड़ी पत्ता और कलवंजी ये सब मिला के वो पानी बाल में लगाना था। तो आपने कहा, मैंने कहा था मुझे हेयर ग्रोथ हो रहा है, तो आपने कहा था कि मेथी दाना आप हटा दें। बिल्कुल, तो मैंने मेथी दाना हटा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत हेयर फॉल हो रहा है। अच्छा, तो एक तो दो हफ्ते में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और दूसरी बात है कि अभी आपको डॉक्टर मरियम कुछ सवाल पूछेंगी, कोई इंटरनल का मसला तो नहीं है? मेडिकली क्लियर हो जाएगा तो फिर मैं आपको टोटका बताऊंगी, ठीक है? आप पूछ सकती हैं इनसे बाल के रहे। आपके बाल कितना अर्सा हो गया आपके बाल गिरते हुए? काफी अर्सा हो चुका है। अच्छा ठीक है, अब आपने ये करना है कि आप अपने पहले तो दो टेस्ट करवाएं, एक अपना ब्लड लेवल चेक करवाएं कि खून की कमी तो नहीं है, डेफिशिएंसी तो नहीं है, उसमें भी बाल गिरते हैं। दूसरा थायराइड का टेस्ट करवाएं, थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं ना उसमें भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। ये दो मेन मसले ऐसे होते हैं जिसमें बाल गिरते हैं। अच्छे मल्टीविटामिन साथ लेना शुरू करें, आपकी इंटरनल हेल्थ अच्छी होगी तो बाल ग्रोथ खुद ब खुद अच्छी होगी। हाँ, फिर टोटका काम नहीं आता अगर इंटरनल को इश्यू होगा। अगर बालों में डैंड्रफ है, अब जैसे थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है तो बहुत तेज गर्म पानी से नहाते हैं, तो उससे भी आपकी बहुत ज्यादा हेयर फॉल शुरू हो जाता है। ठीक है, बालों में डैंड्रफ तो बालों में नहीं है, लेकिन खून की कमी हो सकती है। आप हाँ, चेक तो, कराएं, आप वो चेक कराएं, थायराइड के लेवल्स भी चेक कराएं, उसमें भी कुछ ऐसे मसले होते हैं जिसमें बाल बहुत तेजी से गिर रहे होते हैं। फिर आप उसका प्रॉपर चेकअप करवा के उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह बाल गिरना बंद हो जाएंगे। प्लस ये कि तेल बहुत लंबे टाइम तक लगा के सर में 12-12 घंटे ना रहे, उसमें बेल थोड़ा टाइम पहले लगाएं और फिर वॉश करें, और अपना शैम्पू और कंडीशनर भी चेंज करके देखें, हो सकता है वो आपको सूट ना कर रहा हो शैम्पू और कंडीशनर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। चेंज किया है, आप बता दें कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। तहमीना, ये तहमीना है, ये तहमीना को ये लेकर तहमीना बात सुनो, आपने दो टेस्ट कराने हैं आपने अपने, ठीक है जी। वो करवा के और फिर आपने बताना है मुझे कॉल करके, तो मैं डॉक्टर मरियम तक आपका मैसेज पहुंचा दूंगी। जब तक इंटरनली आपके इश्यूज ठीक नहीं होंगे ना, कोई टोटका बालों में आपके असर नहीं देगा, ठीक है? ओके, एक ब्लड टेस्ट करवाना है, दूसरा कौन सा? थायराइड, थायराइड का, थायराइड, थायराइड का, हाँ थायराइड के जो टेस्ट होते हैं ना, T3, T4, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड फंक्शन टेस्ट बेसिकली कहलाते हैं, थायराइड बोलते हैं, TFTs कहलाते हैं, ठीक है? थायराइड फंक्शन टेस्ट, वो एक कंप्लीट अपना टेस्ट करवाएं, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू फॉर द कॉल। अब जो आपने तस्वीर देखी थी, मैं आपको बताऊंगी क्यों देखी थी, क्यों हो गया, वही बात हम अपनी बातें कर रहे हैं आपस में। वेलकम बैक टू केटू शहर, और बड़ा मजा आया जी, मतलब खाने पर मुझे कोई शादी वाला माहौल लग रहा है, गाने इतने मजे मजे के आपने देखे, देख रहे हैं बल्कि, और खाना हमारा रेडी हो चुका है, और हम सेहत के हवाले से बात करें। जिस्मानी तौर पर अगर आप सेहतमंद हो लेकिन खुदा ना खास्ता किसी जहनी परेशानी का शिकार हो तो वो फिर चेहरे पर आ जाती है, वो मेंटल हेल्थ इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जिसका शायद हम इतना तस्करा नहीं करते हैं। नताशा आप मुझे ये बताइएगा कि हम नहीं कोई सवाल ऐसे मुश्किल नहीं पूछ रहे जी, कि कितना ज़रूरी है एक औरत का एम्पावर्ड होना, जैसे अपना आप चाहे 1,000-2,000 कमाए लेकिन अपनी कमाई जब हाथ में आती है एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। बिल्कुल आती है। तो ये कितना ज़रूरी होता है हर औरत के लिए काम करना? बहुत ज़रूरी है, मैं कहती हूँ कि आजकल के टाइम में वैसे ऐसा है कि अगर घर का घर भी कमाए तो कम है, ठीक है, लेकिन औरत के लिए कमाना खुद इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बहुत कम लेवल पर कर रही है बट उसे करना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए देखिए आपकी बहुत सारी नीड्स होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं शेयर कर सकते, मतलब आप अपना अपने लिए तो आप कर ही सकते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, कोई लोन का सूट लेना हो जो महीने में अगर आपने 5 ले लिए, अगर घर वालों से तो एक अपने पैसों से ले ले तो ज्यादा मजा, वो भी जरा खुश हो जाए, किसी को गिफ्ट दे दिया, कुछ खाने पीने का दिल किया, गिफ्ट आपने देना है तो आपको पता हो क्या? हाँ जी आप। अच्छा मैं अभी आपको चिकन दिखाऊंगी, तैयार हो चुकी है, लेकिन पहले हम कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम जी, मैं डॉक्टर साहब से बात कर रही हूं। जी आपका नाम? मीनल दास। पहले टीवी की आवाज ऐसा कर दें प्लीज। जी बिल्कुल, काम में आवाज बंद है। अच्छा सवाल पूछें। जी मैं ना डॉक्टर से पूछना है कि मेरे ना ऑपरेशन से बच्चों में बड़े ऑपरेशन से 4 हैं,
तो मेरे ना सीने में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो जहाँ भी जाती हूँ कमजोरी है बस यही कहते हैं, खाती पीती तो हूँ लेकिन कुछ लगता नहीं है, सीने में बहुत ज्यादा दर्द होती है। अच्छा ये बताइएगा कि आपके जो लास्ट ऑपरेशन हुआ या लास्ट जो आपका बेबी पैदा हुआ है उसे कितना टाइम हो गया? वो 10 माह का है। ओए 10 माह। अच्छा 10 माह का। आप उसे फीड करा रही हैं? हाँ जी उसको फीड कराती हूँ। और साथ में बॉटल फीड है जी? क्या था? साथ में आप उसे फीडर दे रही हैं या प्योर सिर्फ अपना ही फीड करा रही हैं? नहीं फीडर नहीं लेता, मैंने लिया था फीडर, वो फीडर नहीं लेते लेकिन मेरे दूध पीते हैं। ठीक हो गया, सही है, ठीक है। अच्छा अब उसमें इस तरह से होता है कि बाज दफा जब फीडिंग में बच्चे का गैप ज्यादा आ जाता है और मिल्क कलेक्शन हो जाती है तो उससे भी टेंडरनेस होती है ब्रेस्ट में, ठीक है ना? गर्म पानी करके ना आप गर्म पानी से दिन में कोशिश करें 2-3 दफा शावर से, जैसे टकोर करते हैं ना गर्म पानी डायरेक्ट आए, या किसी बर्तन में गर्म करें और उससे जो है वो वॉश करें, ठीक है, उससे वॉश करें बच्चे को। तकलीफ बता रही है ना? हाँ, वो टेंडरनेस हो जाती है, ठीक हो गया। जब मिल्क थोड़ा कलेक्ट होता है ना तो एक होता है पेन जो कांस्टेंट होता है, ठीक हो गया, ठीक है, मुस्तकिल और शदीद दर्द हो रहा है, ठीक है, वो मस्कुलर भी हो सकता है, ठीक हो गया, ठीक है। अब सीने में अगर किसी पर्टिकुलर जगह है, एक जगह पर है तो कोई कार्डियक इशू भी हो सकता है जिसमें आप ईसीजी करवा के चेक करवाएं, लेकिन फिलहाल आपको ये लग रहा है। टेंडरनेस है या ब्रेस्ट में पेन है तो वो फीडिंग के दौरान मोस्टली जब मिल्क कलेक्ट होता है और बच्चा उस वक्त नहीं लेता तो थोड़ा उसकी वजह से हो जाता है। उसमें ये है कि आप एक तो ये कि आप उसको फ्रीक्वेंट फीड कराएं, ठीक है, और दूसरा ये है कि उसमें फिर और उसके अलावा ये है कि हॉट वाटर जो बात है ना वो गर्म पानी से, और कोई माइल्ड सी कोई ऐसी पहले लेके देखें जैसे पोन्स्टन फोर्ट वगैरह होती हैं जिससे इन्फ्लेमेशन और पेन थोड़ा रिड्यूस होता है, ठीक, अच्छे साथ में सप्लीमेंट्स लें, वीकनेस ना हो, मस्कुलर वीकनेस ना हो। अगर आपसे रابطہ करना तो आप कहाँ क्या मतलब कहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं आप? मेरा अपना क्लिनिक है, मेरा अपना सेटअप है इस्लामाबाद में ही, H13 में, ठीक है। अच्छा जी, इनसे आप रابطہ, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, खुद से दवाइयाँ नहीं खानी आपने, ठीक है जी? पहले ये करके देखें, अगर ना आराम आए फिर टेस्ट करवाएं, फिर प्रॉपर डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें, बिल्कुल, ताकि आपका इसका रीजन डायग्नोज हो सके। इनिशियली आप ये चीजें करके देखें, और उसके अलावा ये है कि अंडर गार्मेंट्स बहुत ज्यादा जो है वो आप मतलब बहुत टाइट भी ना हो, और बिल्कुल ऐसा भी ना हो कि ना पहने हो, लूज भी ना हो, उसका भी ख्याल करें, और टाइट कपड़े ना पहने, ठीक हो गया। मैं जरा चिकन को देखा हूँ, जरा है उसको जरा देखाते हैं, क्या 5 मिनट रह गए? नहीं, जल्दी से जा रही हूँ मैं चिकन देखा हूँ कि वो जो है ना आए आए। वाओ जबरदस्त जी, जबरदस्त, वेरी नाइस। तो मैं एक जरा निवाला लेके, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मजे का नहीं बनाया होगा, खुशबू इतने मजे की आ रही है ना, लेकिन आदत से मजबूर। अच्छा, चलिए अब आप लोग भी घर में बनाएं और ट्राई करें, हाईवे बहुत मजे का कढ़ाई हमारी, वाकई हाईवे लग रहा है, बहुत मजे का, बहुत मजे का है, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया, बहुत ही मजे का बनाया, बाकी हाथ में लज्जत है, थैंक यू। शौक ना हो तो फिर आप तरीके से टमाटर भी नहीं काट सकते, वेरी नाइस, वेरी नाइस जी। तो आपको आज सिखाया है हमारी सुपर शेफ ने हाईवे कढ़ाई, आज वो मुझे बड़े मजे की लग रही है लेकिन जब तक ये मसाले ना हो ना तो मजा ही नहीं आता खाना खाने का। ये हर एक एम्बियंस जैसे माहौल होता है ना, उस तरह से खाने का भी एक माहौल होता है, वो ना हो तो खाने का मजा नहीं आता। नहीं बिल्कुल सही है, होनी चाहिए, मैं थोड़ा सा कम खाती हूँ, और खाने का मजा सर्दियों में ज्यादा आता है। हाँ बिल्कुल, भूख लगती है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और हमारा दिल करता है हम बस बैठ के कुछ मंचिंग करते रहें। अच्छा एक तो आपको दोबारा मैं जहमत दूंगी जी, क्योंकि हमने अभी तो इतनी सारी बातें करी, लेकिन सेहत के वाले से हम एक और एपिसोड करेंगे, बिल्कुल जरूर, आप खवातीन की सेहत के वाले से बात कर सकती, बस टाइम अभी थोड़ा रह गया हमारे पास, और खवातीन इकट्ठी हो तो वैसे भी टाइम जो है वो भाग रहा होता है, पता नहीं चलता है कितनी देर हो गई है। अच्छा जी, आते हैं कुछ मैसेजेस की तरफ जो आप देना चाहें सेहत के हवाले से खवातीन को। अच्छा फिर हमने हार्मोन्स की बात करनी थी, वो रह गया, PCOS की बात करनी थी, वो रह गया, तो हम किसी और एपिसोड में इन चीज़ों को फोकस करेंगे, वो भी जी, करेंगे जी। प्लस ये है कि खवातीन की सेहत इसलिए जल्दी ख़राब होती है क्योंकि वो घर के कामों में, बच्चों में, इन चीज़ों में अपनी सेहत को निगलेक्ट करती हैं। सही, टाइम पे खाना नहीं खाना, थोड़ा ये काम ख़त्म कर लें फिर ले लेंगे। अब ये 10 माह के हैं, जाहिर है इनके 4 सिजेरियन हुए हैं, सिजेरियन में ब्लड लॉस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी। अब ज्यादा सिजेरियन होते हैं, लोग रिकमेंड यही करते हैं, ये एक अलग टॉपिक है, ये टोटल एक अलग टॉपिक, तीसरा एपिसोड इस पे कर लेंगे, इस पे करेंगे कि सिजेरियन रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया काउंसलिंग इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इसमें रीजंस इन्वॉल्व होते हैं ना।
उसमें कुछ जेन्युइन होते हैं कुछ नहीं भी होते हैं, तो ये एक बिल्कुल सेपरेट है। अच्छा, उसके अलावा यह कि खवातीन की सेहत इसलिए निगलेक्ट होती है, प्लस फिर उनकी एक साइकिल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें ब्लड लॉस होता है, प्लस ये कि अब जैसे लैक्टेटिंग मदर हैं, फीड करा रही हैं, वो चीज़ है। इस तरह फीमेल की हेल्थ जो होती है वो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज। सेकेंडली ये होता है कि घर में चूँकि रहती हैं तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा, उनको प्रेशर्स, मेंटल प्रेशर्स, उसने ये कह दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सारा दिन सोचती रहती हैं, उसमें भी डाइट निगलेक्ट, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। स्पेशली जब प्रेगनेंसी होती है और खवातीन जो है वो जब उनमें फिजिकली चेंज आना शुरू होता है ना उनकी बॉडी में, मैसेज आप क्या देना चाहेंगी इन तमाम चीजों, कंक्लूजन क्या कहना चाहेंगी? ये है कि अपनी सेहत पे भी, आपकी सेहत ना आपकी पूरी फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दो मिनट रह गए, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके बच्चों के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, आपके पूरी फैमिली के लिए। टाइम पे खाना खाएं और टाइम पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना करें अपनी हेल्थ, वक्त को जो है काबू में रखें। आ जाएं आप दोनों, नताशा क्या क्या कहती कहती पहुंच जाओ। मैं ये कहना चाहूंगी मदर्स के लिए, स्पेशली मदर्स को मेरे प्लीज मैसेज है कि अपनी बेटियों को जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करें। अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो प्लीज उनको इनकरेज करें, डिस्करेज नहीं करें प्लीज। बिल्कुल सही। और आपने भी कुछ कहना है? आपको सुनाती हूँ गाना, वक्त हमने पूरा करना है। वैसे मैं तो क्लोजिंग करने लगी थी लेकिन दो मिनट रहते हैं। वो आपको आता है, देखा ना था कभी हमने ये समाय सा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा ना था, खो गए सपनों में हम देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा ना था, खो गए सपनों में हम। ये क्या मजेदार मजेदार जी, बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपका भी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम क्या पकाएंगे सोच लिया? सोचती हूँ आप कोई फरमाइश करें। जनाब फरमाइश करेंगे, आने का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस तरह से मोटिवेटेड रहो, अम्मी का बहुत खा लो, अब्बू का भी खा, अम्मी का भी। अच्छा चलो, अल्लाह ताला एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो वालदैन सर पे हैं, जिनके हैं उनको ख्याल रखें, और जो नहीं रहे उनको दुआओं में याद रखें ना। और आपका भी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, दोबारा आपको जिम्मत देंगे। और इस तरह से आपने लड्डू पीला कलर का वाइब्रेंट से माउस कलर पेन कराना है तो कोशिश हमने की कि आपको हंसते खेलते कुछ जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू बताएं जिनका जानना बहुत जरूरी है, सरे फरिस्त उसमें सेहत है। तो आपने जहां जहां भी मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, मुझे देखा जा रहा है, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और आसपास के लोगों को भी नज़र में रखें कि कोई परेशानी तो नहीं, कोई खामोश तो नहीं, कोई एंग्जाइटी तो नहीं, कोई डिप्रेशन तो नहीं। अगर है तो उनकी बात सुनिए, नसीहतें ना शुरू करें बल्कि उनकी तरफ जाके कोशिश करें कि उनके इशू में जाके सोचें, समझें, उनकी उनके साइड की ज़िंदगी क्या है वो जानने की कोशिश करें, और फिर विदाउट जजिंग अच्छा सा मशवरा दें और हंसना खेलना उनको भी सिखाइए। सेहत का होना बहुत ज़रूरी है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आपसे कल, ऐसे ही रंगीन खूबसूरत मेहमान होंगे, बहुत मज़ा आएगा। इंजॉय कीजिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। नारा हो जाए एक, पाकिस्तान जिंदाबाद।